अच्छे हो? पढ़ाई करनी है? पिछली कक्षा में हम लोग कारक पढ़ रहे थे ना, तो उसको कंटिन्यू करना है ना। आप लोग लिख लिए थे? अगर नहीं भी लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखोगे तो फिर कैसे पढ़ोगे? याद करना है ना, फिर जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप कैसे लिखोगे? फिर उसमें पूछोगे टीचर से, टीचर तो नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर तो अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक ना। चलिए अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संप्रदान कारक, चौथा कारक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे क्रिया जिसके लिए की जाए या जिसे कुछ दिया जाए। क्रिया जो है, क्रिया जिसके लिए की जाए या कुछ किसी को कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक से संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? उसने किसी को कुछ देना है, उसने राम को कलम दिया, ठीक है। पुलिस ने सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक, क्रिया जिसके लिए की जाए या किसी को कुछ दिया जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने राम को कलम दिया, उसने किसको कलम दिया? राम को कलम दिया। ये क्या हो गया? ये आपका संप्रदान कारक कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है? किसी को कुछ देना है, और इसमें क्या है? किसी के लिए किया जा, किसके लिए किया गया? देश के लिए, ठीक ना। ये क्या हो गया? संप्रदान कारक, आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग चलेंगे आपादान कारक की ओर। पांचवा क्या है? आपादान कारक। आपादान कारक, ठीक है। आपादान कारक में क्या हो जाएगा? जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ अलगाव प्रकट करता, अलगाव यानी उसे अलग करता हो। अलगाव यानी क्या होता है? अलग यानी अलग। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ
साथ अलगाव अलगाव प्रकट करता हो उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा स्कूल से आया, जैसे बच्चा स्कूल से आया, ये क्या हो जाएगा आपका आपादान कारक। स्कूल से आया यानी स्कूल से वो दूर हो गया, वो अपने स्कूल से विद्यालय से दूर हो गया है, उसको अलग कर दिया गया, तो क्या हो गया ये आपादान कारक। समझ में आया? वेरी गुड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधिकरण कारक। इसमें आप एक और लिख सकते हो, पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका आपादान कारक हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अधिकरण कारक। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अधिकरण कारक सिक्स यानी छह नंबर। अधिकरण कारक, ठीक ना। अब अधिकरण कारक में क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा। क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला, क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द, क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला, क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द अधिकरण कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? मैं सरोवर में नहाया, या क्या स्थान को प्रकट कर रहा है? ये कहाँ नहाया? सरोवर में नहाया, इसलिए ये क्या है? स्थान को प्रकट कर रहा है, स्थान को बता रहा है, सही बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया अधिकरण कारक। समझ में आया बच्चों? अब जैसे कि एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं। इसमें भी क्या दे रहा है कि स्थान बता रहा है, गुरुजी कहाँ बैठे हैं? कुर्सी पर, ये क्या स्थान है, ठीक ना। ये क्या हो गया अधिकरण कारक। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो अब ये हमारा खत्म हो गया अधिकरण कारक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? संबंध कारक।
संबंध कारक जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे जैसे मेरा बेटा आपकी किताब उठा ले आया। ये क्या है? ये एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। एक दूसरे के साथ एक संज्ञा दूसरे संज्ञा के साथ, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? संबंध कारक। अब सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या है? किसी को पुकारने के लिए काम आने वाले संज्ञा शब्द। किसी को पुकारने के लिए काम आने वाले संज्ञा, किसी को पुकारने के लिए काम आने वाले संज्ञा शब्द संज्ञा शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे संबोधित कर रहा है, यानी किसी को पुकार कर बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा?
संबोधन कारक। हाँ तो बच्चों, मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, संबोधन कारक बता रहे थे। इसका उदाहरण मैंने क्या दिया, ए इधर आ, यानी किसी को संबोधित करने के लिए हम लोग ए का इस्तेमाल किए। फिर यहाँ ए क्या कर रहे हो, अब उसे संबोधित करके पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो अब ये कारक जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, हो गया ना। हाँ तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रफबुक में लिख करके रखिएगा, ठीक ना। फिर जब अध्यापिका जी आप लोग को बताएंगी कि नहीं अब आप लोग क्लास वर्क में उसको लिखिए, तभी आप लोग क्लास वर्क में लिखिएगा। पहले तो आप लोग पहला पार्ट पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। वो पार्ट अगर हो जाए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज का होमवर्क क्या हुआ वो ध्यान से जरा सुनिएगा। पढ़ना भी है लिखना भी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं जो एक बार पढ़ लिए हो गया लिख लिए, नहीं, उसको पढ़ पढ़ के लिखना है। लिख लिख के पढ़ना नहीं है, पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। अगर उस तरह से आप लोग करोगे तो आपको कारक याद हो जाएगा। और पहले जो मैं बताई थी आप लोगों को कारक के चिन्ह के साथ उसे याद करना, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पूछा जाएगा। अब जैसे कि दिया पड़ेगा, पुलिस ने चोर को मारा, पुलिस ने चोर को मारा, पुलिस ने चोर को मारा। अब वहां पे ब्रैकेट में एक सवाल रहेगा कि इसमें किन किन विभक्तियों का, कारक की किन किन विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ये और ये कारक की विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, ये कर्ता कारक है और ये कर्म कारक है। ये क्या है, कर्ता कारक, ये कर्म कारक। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो अभी आप लोग चेक कर सकते हो अपने अपने रफबुक में। कर्ता कारक क्या चिन्ह दिए हैं, कर्ता ने, तो चिन्ह यहाँ दिया हुआ है और विभक्ति मुझे लिखना है तो हमने इसे लिख दिया कर्ता, ठीक ना। और इसको क्या लिख दिया, कर्म। तो जब तक आप लोगों को चिन्ह नहीं याद होगा, नाम के विभक्ति के साथ चिन्ह याद नहीं होगा, तो आप कैसे इसको पहचान करके लिखिएगा। अब मान लीजिए रहेगा, माँ ने मेरे लिए कलम खरीदा। अब इसमें कौन सी कारक की विभक्ति प्रयोग में लाई गई है, अब जल्दी से बताइए सोच के। संप्रदान कारक का क्या है, के लिए, मेरे लिए, संप्रदान कारक, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख करके रफबुक में रखिएगा, जब मैं बताऊंगी तब क्लास वर्क में लिखिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, धन्यवाद।